अब यहाँ पे अगर मैं खड़ा होता हूँ तो राइट में जो शेक है लकड़ी वाली उस पे बंदे हैं, मेरे पीछे की साइड बंदे हैं और मेरे लेफ्ट पे वेयरहाउस पे भी बंदे हैं और ये सामने भी बंदे हैं। अब यहाँ पे देखो इस सिचुएशन में कैसे मैं इस सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। स्मोक किया, सामने एक ओपन में बंदा आता है, इसको मैं डैमेज देता हूँ और फाइनली फिर दोबारा बंदा दिखता है। तो कैसे ऑक्सीजन फिल्टर भाई, ऑक्सीजन आ चुका है डे वन प्लेटिनम टू कान का रैंक पुश कैंपलर वीडियो लेकर यहाँ पे अभी अभी भाई पूरे 6 घंटे के स्ट्रीम करके आया हूँ और अभी भी भाई सिर एक अलग ही तरीके से दर्द हो रहा है, बट कोई नहीं। यहाँ पे भाई लाइव स्ट्रीम पे काफी सारे बंदे भाई टिप्स एंड ट्रिक वीडियो पूछ रहे थे कि कब आएगा, तो यहाँ पे भाई वो वीडियो लेके आ चुका हूँ। और ये वाला गेम प्ले आपने अगर लाइव स्ट्रीम पे मिस कर दिया था तो अभी देख लो। और यहाँ पे बताने वाला हूँ फुल टिप्स एंड ट्रिक जो मैंने अप्लाई करी अपनी लाइव स्ट्रीम पे, जिससे मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरा पूरा 360 का प्लस मिला है 6 घंटे के अंदर। यहाँ पे 400 का प्लस निकल जाता है इजीली, बट 2 से 3 मैच मेरे कहीं ना कहीं खराब हुए थे, बट कोई नहीं। यहाँ पे मैंने पूरे आज 13 मैच खेले जिसमें से 4 मैच मैंने चिकन निकाले हैं। और यहाँ पे आपको पता भी होगा चीटर्स भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे भाई जो अब मैं खेल रहा हूँ, जो टैक्टिक अप्लाई कर रहा हूँ, वो सारी की सारी टेक्निक आपको इस वाली वीडियो को देखकर समझ में आ जाएगा और बाकी बातें मैं आपको बता के समझा दूंगा। तो प्लीज वीडियो का एंड तक जरूर देखना। उससे पहले गाइस एक काम करो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं मिलने वाला हूँ लाइव एवरीडे सुबह 7:30 पे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं ट्राई करूंगा थोड़ा जल्दी करने का, क्योंकि मुझे वीडियो भी सही टाइमिंग पे अपलोड करनी है, शॉर्ट्स भी अपलोड करनी है और लाइव स्ट्रीम भी दो बार करनी है शाम को और सुबह, तो भाई थोड़ा शेड्यूल बनाना पड़ेगा अभी। और यहाँ पे सामने साइड एक बंदे को मैंने टेक डाउन किया और यहाँ पे देखो टीममेट नॉक हुआ। अभी यहाँ पे ना देखो, मैं यहाँ पे टीममेट को रिवाइव करने का नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मुझे पता था सामने वाले बंदे को मैं दिख रहा हूँ। मैं अगर टीममेट को रिवाइव करने जाता हूँ तो वो अंदर रश करेगा, बट यहाँ पे मैं होल्ड करने के लिए बोलता हूँ टीममेट को। Watch out! यहाँ पे बंदे को सीधा टेक डाउन फिनिश करके टीममेट को रिवाइव करने के लिए आता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक किल नहीं मिला था जिसको मैंने फर्स्ट में नेड से नोक किया था, यहाँ पे आया तभी एक और बंदे का रश आता है और देखो सामने ऐसी कैंपिंग करके आपको मारने वाले काफी बंदे मिलेंगे इवेंट पे। और यहाँ पे देखो मेरे टीममेट को पड़ी ऊपर की साइड से, अब समझ चुके होंगे ऊपर की साइड से कहाँ पे। भाई यहाँ पे इवेंट में ना काफी ज्यादा बंदे भाई ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां से भाई जो बंदा दिखता है ओपन में उसको सीधा टेकडाउन फिनिश देता है। यहाँ पे जो ऊपर बंदा था वो बचा हुआ था, मुझे मेरा किल कंफर्म हो जाता है जो मैंने नेट से नोक किया था। यहाँ पे आता हूँ, पूरा दिमाग अपना लगा देता हूँ रिकॉल कलेक्ट करने पे सेकंड वाला, और ऐसे ही आपको करना है। अगर आप ऊपर हो वहां पे पहले ट्राई करो जितना हो सके, जल्दी से जल्दी आप रिकॉल कलेक्ट कर लो और उसके बाद फाइट कंटिन्यू करो, जिससे आप कहीं ना कहीं रिकॉल कलेक्ट करने के बाद भी आप फिनिश हो जाते हो, जो कार्ड मिलता है उसको कलेक्ट करने के बाद भी फिनिश हो जाते हो। तो नीचे जाने पे आपके पास 2 रिकॉल रहेंगे और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इजी तरीके से और भी ज्यादा अच्छी फाइट निकाल पाओगे। अभी यहाँ पे भाई जल्दीबाजी में मोली हुआ, बट कोई नहीं। अब यहाँ पे देखो गाइस, पहली बात आपको ये याद रखनी है कि देखो आपको ना ट्राई करना है दूर वाले इवेंट पे आने की, और यहाँ पे ट्राई करना है कि आपको रिकॉल कार्ड कलेक्ट करने की। और यहाँ पे ना कभी भी अभी के टाइम अगर आप चाहते हो 7 to 8 days के अंदर या 5 days के अंदर कॉन्कर करना, तो भाई देखो एक चीज दिमाग से निकाल दो कि भाई आपको केडी अच्छी खासी मेंटेन करनी है। केडी के ऊपर ध्यान मत दो, आप प्लस के ऊपर ध्यान दो। 2-4 किल भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ना ट्राई करना चिकन के लिए। यहाँ पे ऊपर एक बंदा, ये बंदा भाई गलत ही कॉन्फिडेंस में घुस रहा था। और यहाँ पे पहले इसको देखो, गलती वाला टेकडाउन करके फिनिश करता हूँ। अभी यहाँ पे आपको पता भी होगा, देखो आपकी लॉबी के अंदर चेटर्स आना स्टार्ट हो चुके होंगे और ये आम बात है। इनको देख करना आपको ये नहीं सोचना है कि भाई चेटर्स आना स्टार्ट हो गया मेरा कॉन्कर होगा नहीं होगा। भाई देखो आपका कॉन्कर हो जाएगा। एक टारगेट गोल आपको रखना है एवरी डे 250 पॉइंट निकालने की, सोचो ही सोचो। उससे ज्यादा अगर आप निकाल ले तो मानो आप 400 निकाल ले रहे हो, 300 निकाल ले रहे हो, 350 निकाल ले रहे हो, जैसे कि मैंने आज यहाँ पे 360 का प्लस निकाला है। ऐसे आप अगर प्लस निकालोगे ना तो आपका कॉन्कर 7 to 4 days के अंदर ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे सामने साइड बंदे, अब यहाँ पे हमारे पास रिकॉल था, मतलब मेरे पास रिकॉल था, मेरे टीममेट पे नहीं था।
अब यहाँ पे मेरे पास ऑटो रिकॉल है तो मैं टीममेट को बोलता हूँ कि तेरा रिकॉल खराब हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास ऑटो रिकॉल है, तू आजा मेरे साथ फाइट कंटिन्यू कर ले, तुझे भी किल मिल जाएंगे और मुझे भी मिल जाएंगे। तो ये सोचकर हम बंदों पे भाई गलत वाला रश मारना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचा होता है रिकॉल खत्म होने का और यहाँ पे आए तभी एक बंदा होता ऊपर। ए बंदे पे अब यहाँ पे मेरे पे बंदा था, मेरा टीममेट चर्च पे रुक चुका था, उसकी कॉल आती है कि मैं तुमको इस साइड से कवर देता हूँ। अब ये बंदा भाई यहाँ पे बैठा हुआ था और ये नेड भाई गलती से गलत वाला रिफ्लेक्ट होके भाई बाहर आ जाता। अगर ये नेड जाता ऊपर तो इजी वो बंदा फिनिश होता, क्योंकि वो बंदा ऊपर बैठा हुआ था रेलिंग के, इतना मुझे साउंड आ गया था। अब यहाँ पे ना भाई जैसे ही मैं मोली वगैरह कर रहा था इस पे, तभी टीममेट को बुलाते इसमें बंदे। टीममेट ने एक बंदे को डाउन किया, और तभी भाई साहब इनकी भी नींद खुल जाती है पीछे वाले की, जो कि कैम करके बैठे हुए थे। यहाँ पे आता हूँ टीममेट को सीधा रिकॉल करने के लिए। अब यहाँ पे आपको गेम प्ले देख के समझ आ रहा होगा मैं किस तरीके से खेल रहा था, बट यहाँ पे काफी सारे भाई ऐसे भी है जिनका लो भाई डिवाइस है, जिसका डेटा अच्छा नहीं चलता है। भाई आपको ना सिर्फ चिकन के लिए खेलना है। मेरी लाइफ स्टाइल मेरे काफी सारे गेम ऐसे भी गए, काफी सारे तो नहीं, 3 गेम ऐसे गए जिनके अंदर मैं अर्ली फाइट में 1-1 किल 2-2 किल के साथ मर रहा हूँ, बट उन गेम को मैं चिकन भी निकाला हूँ। एक मैच में अपना फैन मीटअप भी होता, सब्सक्राइबर भाई भी मिले थे, उस मैच को भी अपने चिकन निकाला था। तो भाई देखो कोई मैटर नहीं करता है अर्ली फाइट में या फिर अर्ली 4-7 डेज के अंदर कॉन्कर करने में कि आपके किल्स बहुत ज्यादा हो। आपके दिमाग में एक चीज रहेगी कि भाई मेरा केडी कैसे बढ़ेगा, तो देखो भाई आप कॉन्कर कर लो पहले, उसके बाद केडी के लिए आराम से खेल लेना। आराम से घुस घुस के बंदे मार लेना, आराम से आप अगर निकालते हो ना 4-5 किल भी निकाल के चिकन निकालते हो, एक टाइम ना आपको एवरी मैच के अंदर 30-35 समथिंग प्लस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि भाई 4-5 किल पे इतना प्लस तो कम है, बट भाई सब बंदों का टीयर भी सेम है ना, इस वजह से आपको प्लस कम देखने को मिलेगा। बट हाँ आप जैसे ही 20 डेज बाद अगर आप प्लेटिनम पे रैंक पुश करते हो तो आपको प्लस आपको ज्यादा मिलेगा। बट आपको पता है कि वहाँ पे रैंक भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए प्लस आपको ज्यादा मिलेगा लो टीयर पे जब रैंक बढ़ेगा। अगर यहाँ पे अभी रैंक की बात की जाए तो समझ लो आप एस पे रैंक पुश कर रहे हो, ऐसा समझ के चलो, क्योंकि प्लस आपको इतना ही देखने को मिलेगा जितना आपका किल होगा। अब यहाँ पे जोन आ चुका था तो मैं निकल जाता हूँ पीछे की साइड। अब यहाँ पे जो बंदा था सामने पत्थर पे वो निकल जाता पीछे, और ये भाई पीछे से मुझे डैमेज देना स्टार्ट करता है। मैं फटाफट जोन पहले निकलता हूँ और यहाँ पे ना अब से ये गेम सोलो भी डुओ होने वाला है, और इस गेम को देखो मैं किस लेवल पे लेके जाने वाला हूँ और किस लेवल की फाइट को मैं निकालने वाला हूँ, वो देखकर आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। यहाँ पे मैं जोन के बाहर काफी देर रुकता हूँ, शॉप पे से मैं थोड़ा सामान वगैरह बाय करके सीधा निकलता हूँ आगे जोन में पोजीशन लेने के लिए। अब यहाँ पे मुझे सामने की साइड इन पत्थर पे रुकना था, तभी मेरी राइट में नजर आती है और ओपन से मुझे 2 बंदे आते हुए दिखते हैं। यहाँ पे मैं इन बंदों पे रश नहीं करता हूँ, थोड़ा सा जोन देखता हूँ कि हाँ इन बंदों को भी जोन में आना है और मुझे भी जोन में जाना है। अब सामने वाले बंदे को मेरी पोजीशन पता चल चुकी थी, काफी देर हो चुकी थी मुझे रुके हुए, यहाँ पे वीडियो मैंने थोड़ी कट करी है। और यहाँ पे ये बंदा एक जो होता है वो रश कर देता है आगे की साइड और दूसरा पीछे ही था, तो यहाँ पे मैं उनसे फाइट अवॉइड करके मतलब पीछे थोड़ा सा अपने आप को लेकर यहाँ पे आता हूँ। मुझे इतना पता था कि इन बंदों को जोन में आना है, ऐसे ही आपको जोन कट करना है अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले बंदे जोन के बाहर है, तो भाई पहले ट्राई करो अपने आप को जोन में लेने की और सामने वाले का जोन कट करने की। यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, अब यहाँ पे अगर मैं खड़ा होता हूँ तो राइट में जो शेक है लकड़ी वाली उस पे बंदे हैं, मेरे पीछे की साइड बंदे हैं और मेरे लेफ्ट पे वेयरहाउस पे भी बंदे हैं और ये सामने भी बंदे हैं। अब यहाँ पे देखो इस सिचुएशन में कैसे मैं इस सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। स्मोक किया, सामने एक ओपन में बंदा आता है, इसको मैं डैमेज देता हूँ और फाइनली फिर दोबारा बंदा दिखता है, नॉक किया, थोड़ा रुकता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि सामने वाले का टीममेट आएगा रिवाइव करने के लिए। अब जैसे ही ये बंदा भाई कवर में जाने की ट्राई करता है, उसका टीममेट भी आ चुका था नीचे की साइड, मैं यहाँ पे देखता हूँ। अब यहाँ से मैं हल्का सा भी इधर उधर जाता हूँ तो भाई मुझे बंदे मारना स्टार्ट करेंगे। अब ये बंदा आता है तभी भाई इसको मैं मारने की ट्राई करता हूँ, बट दूसरा बंदा किल ले जाता है। यहाँ पे मैं लकड़ी वाले सेक से बचता हूँ, मेरे राइट में अलग टीम है। अब यहाँ पे पत्थर पे छड़के मैं जो राइट में बंदे उनको मारने की ट्राई करता हूँ, तो भाई जो शेक वाला बंदा है ये मुझे मारेगा, ये सोचकर मैं काफी देर तक होल्ड करता हूँ।
अपने आप को बूस्ट किया, जोन कटने का वेट किया। अब ये बंदा तो भाई निकलने का नाम बिल्कुल नहीं लेता है, काफी देर तक ये बंदा भाई चेक के अंदर होल्ड करके रहता है। मैं सोच रहा था ये बंदा अगर निकले जोन में तो मैं राइट वाले बंदों से फाइट ले पाऊं। अब ये बंदे ओपन में थे बिल्कुल भाई प्रॉपर वाला। अब यहाँ पे पत्थर पे छड़के में इजी मार सकता हूँ, बट नहीं भाई, जो पीछे शेक वाला बंदा वो बीटी करेगा। ये सोचकर मैं सीधा नीचे से बंदों पे स्लैम मार देता हूँ। और देखो एक बंदे को डाउन किया, बंदे ने मुझे अच्छा खासा डैमेज दिया। यहाँ पे फटाक से पहले हील मारता हूँ, बट कहते हैं ना जो किस्मत में होता है वही मिलता है। यहाँ पे बंदे को तो नॉक मैंने किया बट किल। शेक वाले बंदे के खाते में चला गया, बट कोई नहीं। यहाँ पे आता हूँ, सामने वॉल पे बंदा दिखा एक, इस बंदे को फिनिश किया। अब यहाँ पे मेरे सिवा तीन बंदे बचे हुए थे, तभी शेक वाला ओपन में आते हुए देखता है, सीधा इस बंदे को फिनिश किया। मेरे सिवा भी दो बंदे बचे हुए थे। अभी यहाँ पे काफी देर हो चुकी थी, मैंने क्लिप को कट किया है। वैसे बता दूं आपको, यहाँ पे फाइनली जैसे ही जोन कटता है तो भाई जो सामने वाले बंदे हैं उनमें से एक बंदा रश कर देता है। अब यहाँ पे देखो इस बंदे को जो मारने वाला हूँ और इसके मुंह से जो निकलने वाला, सुनना। तीन गोली लगी उसको बस। बंदे ने हाई ग्राउंड का अच्छा फायदा उठाया और यहाँ पे बंदे ने मुझे फिनिश किया। यहाँ पे मेरा अभी जो करंट रैंक है वो चल रहा है डायमंड 3 पे 60 पॉइंट। 40 पॉइंट निकालते हैं, मेरा डायमंड 2 लग जाएगा। यहाँ पे जो गेम प्ले था आपने देख ही लिया होगा। बाकी आपको और भी डिटेल में टिप्स एंड ट्रिक चाहिए, जो कि मैं खेलता हूँ उस टाइम कैसे टेक्टिक यूज करता हूँ, कैसे मैं हाई किल्स निकालता हूँ, कैसे जब मेरे कम किल्स होते हैं तो उस लोबी के अंदर मैं कैसे सर्वाइव करता हूँ, वो सारे के सारे आपको टेक्टिक लाइव स्ट्रीम पे देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा हेड पेन हो रहा है, तो अगर सही हो जाता है तो मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ रात को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव ऑक्सीजन फैमिली, एंड बाय। सब्सक्राइब जरूर करना गाइस चैनल को।